अब हम स्टार्ट करेंगे ओवरहेड्स। ओवरहेड्स क्या होते हैं? की होंगे ओवरहेड्स? डिपार्टमेंट्स। ओवरहेड हैज बीन डिफाइंड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ वर्क एंड वर्क अकाउंटेंट्स लंदन एज द एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या होते हैं? द एग्रीगेट ऑफ टोटल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, टोटल ऑफ इनडायरेक्ट वेजेस, टोटल ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बाय इनडायरेक्ट इट मीन वन विच कैन नॉट बी एलोकेटेड बट विच कैन बी अपॉइंटेड टू और ऑब्जर्व बाय कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। Overheads are those indirect costs which cannot be directly related to any product, job or process because they cannot be directly attached to product activities. The total cost is divided into prime cost, factory cost and administrative cost. Overhead comprises of indirect material, indirect labor and indirect expenses. Blocker has been defined the overhead cost as operating of a business enterprise which cannot be traced directly to a particular unit of output. Overheads are the indirect cost which cannot be directly allocated to any particular job and production activity or processes as they are not capable of being specifically identified to any particular activity. Basically वो क्या बोल रहा है, overhead में आपके कौन कौन से costs include होते हैं? Total of इनडायरेक्ट मटीरियल, टोटल ऑफ इनडायरेक्ट, टोटल ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इसमें आपके ओवरहेड में ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी। उसने बताया कॉस्ट शीट में हमने कौन कौन सी कॉस्ट कैलकुलेट की थी, प्राइमरी कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट उसमें लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। ठीक है, meaning of overhead. The term has overhead has a wider meaning than the term indirect expenses. Overhead include the cost of indirect material, indirect labor and indirect expenses. This is the aggregate of sum of indirect material, indirect labor and indirect expense. Overhead kya hoga? In tino ka sum hoga, in tino ka total hoga. Theek hai, definition of overheads हमने लास्ट में ऊपर कर लिया डेफिनेशन। आप चाहे तो ये भी कर सकते हो, आप चाहे तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, जो उन्होंने लंदन वाली दी हुई है। क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, क्लासिफिकेशन क्या है इसकी? सबसे पहला कौन सा है? नेचर वाइज। दूसरा है फंक्शन वाइज। तीसरा है वेरिएबिलिटी वाइज, कंट्रोलेबिलिटी वाइज एंड नॉर्मेलिटी वाइज। नेचर वाइज क्लासिफिकेशन, अंडर दिस क्लासिफिकेशन एक्सपेंडिचर्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। इसमें बेसिकली किसकी बात होगी? एक्सपेंसेस की। ठीक है, नेचर वाइज क्लासिफिकेशन में किसकी बात होगी? एक्सपेंसेस की। इनडायरेक्ट मटीरियल विच आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विच कैन नॉट बी एलोकेटेड टू अ पर्टिकुलर जॉब और प्रोडक्शन बट इज ऑब्जर्व बाय कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट यूनिट। एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट मटीरियल आर कंज्यूमेबल स्टोर्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, लूज टूल्स, कॉटन वेस्ट एटसेट्रा। इनडायरेक्ट मटीरियल क्या बोलता है? जो डायरेक्टली किससे रिलेट करता है? मैन्युफैक्चरिंग से। ठीक है, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर इट इंक्लूड सच वेजेस विच कैन नॉट बी एलोकेटेड बट विच कैन बी अपोर्शन बाय सेंटर कॉस्ट, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। द एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट लेबर आर सैलरी ऑफ फोरमैन, सुपरवाइजर, वर्क मैनेजर, स्टोर कीपर एटसेट्रा। इनडायरेक्ट लेबर किससे रिलेट करता है? इनडायरेक्ट लेबर में कौन कौन से आएंगे? जो आपका डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ रिलेट नहीं करते हैं, मतलब जो लेबर को क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं या जो लेबर को असिस्ट करते हैं, वो किसमें आएंगे? इनडायरेक्ट लेबर में। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, द एक्सपेंसेज विच कैनॉट बी एलोकेटेड डायरेक्टली बट विच कैन टू बी अपोर्शन टू और ऑब्जर्व बाय कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। द एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज आर फैक्ट्री रेंट, चार्ज ऑफ लाइटिंग एंड हीटिंग। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज कौन से होंगे? जो डायरेक्टली रिलेट नहीं करेंगे आपकी प्रोडक्शन के साथ, बट फिर भी उनकी क्या पड़ती है हमें? नीड होती है वहां पे। जैसे उन्होंने क्या दिया है, रेंट एक्सपेंसेस, मतलब जहां पे आपकी मशीनरी, जो मशीनरी है उसका भी आप क्या, मशीनरी कुछ फॉर्म्स होती हैं जो बाय नहीं करती, वो लीज पे लेती हैं। लीज क्या होता है? थोड़े टाइम लीज, जेड़ा लीज होता है लॉन्ग टर्म लिए होता है।
मतलब लास्ट तक कर लो फिर उठ करी करने इंटरेस्ट ना लास्ट तक जाने की नहीं अपनी नहीं होती उन्होंने दोबारा वापस करनी पड़ती है फिर उस टाइम पीरियड तक वो पेमेंट करते हैं इंटरेस्ट मतलब उन्होंने पे करते रहते जो उन्होंने फिक्स किया होंगे अगर वो कहते हैं असं दोबारा फिर यही मशीनरी लैके आनी है वो फिर वो शुरू हो जाती है इंस्टॉलमेंट्स अगर उन्होंने खरीदनी है तो वह खरीद भी सकते हैं बट खरीदे कि डेप्रीसीएशन माइनस कर देंगे फंक्शन वाइज क्लासीफिकेशन अंडर दिस क्लासीफिकेशन द वेरियस फंक्शन परफॉर्म बाय द इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन वाइज क्लासीफिकेशन जो ओवरहेड्स मतलब डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं आप बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं ठीक है उनके बेसिस पे क्लासिफाइड किया है प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इट इज ऑल्सो नोन एज फैक्ट्री ओवरहेड वर्क ओवरहेड और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड द प्रोडक्शन ओवरहेड इज द इनडायरेक्ट कॉस्ट विच इंक्लूड्स इनडायरेक्ट मटीरियल इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसिज इट इंक्लूड्स ऑल ओवरहेड इनकर्ड फ्रॉम द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मटीरियल टिल द कम्प्लीशन ऑफ द मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में क्या होगा बेसिकली आपकी प्रोडक्शन होगी ठीक है ओवरहेड्स का हमने ऊपर फॉर्मूला क्या पढ़ा था सम ऑफ द टोटल मटीरियल लेबर और वेजेस ठीक है जब तक आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपकी एक स्टेज क्या होगी फिनिश नहीं होगी दूसरा है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आपका कौन सा काम होगा क्वालिटी स्टेशनरी पोस्टेज वगैरह एडवर्टाइजमेंट हाँ सारा आपका डॉक्यूमेंटेशन सारा आपका स्टेशनरी का वर्क सारा आपका पॉलिसीज मेथड सारा किसमें आएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग ओवरहेड्स में क्या आएगा ट्रांसपोर्टेशन सेल्समैन जो आपके सेलिंग के लिए क्या होती है कॉस्ट इनकर्ड होती है सारा सेलिंग का कौन देखेगा सेलिंग ओवरहेड देखेगा कि आपने अपना प्रोडक्ट कैसे बेचना है कैसे इसको एडवर्टीज करना है ठीक है ट्रांसपोर्टेशन क्या यूज करोगे सारा कौन देखेगा सेलिंग ओवरहेड अब डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्या आएगा इट इंक्लूड्स पैकिंग मटीरियल एंड एक्सपेंसेस कैरेज आउटवर्ड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस मेंटेनेंस रिपेयर डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन्स डेप्रिसिएशन रिपेयर्स ऑफ द वेयरहाउस सैलरी ऑफ द वेयरहाउस स्टाफ इंश्योरेंस ऑफ वेयरहाउस ये सारा किसमें आएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कौन सा होता है बेसिकली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था ना हमने कॉस्ट शीट में तो वो क्या होगा सारा उसके सेल्स के रिलेटेड ही होगा ठीक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड्स में क्या होगा कॉस्ट ऑफ सर्चिंग फॉर न्यू एंड इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट्स न्यू एप्लीकेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इम्प्रूव्ड मेथड्स एंड टेक्निक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बेसिकली एक R&D क्या होता है डिपार्टमेंट होता है हर फर्म में जो क्या देखता है कि हमारी फर्म में कौन सा प्रोडक्ट आना चाहिए या इस प्रोडक्ट में क्या चेंजेस करने चाहिए क्या पॉलिसीज आनी चाहिए क्या हमारे उसमें वर्कर्स को क्या मिलना चाहिए ठीक है ये सारा कौन देखता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड नेक्स्ट है हमारा वेरिएबिलिटी वाइज क्लासिफिकेशन द ओवरहेड्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी इनटू फिक्स्ड ओवरहेड आर रिलेटेड टू द पीरियड्स एंड सो द फिक्स्ड कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज पीरियड कॉस्ट एग्जाम्पल ऑफ फिक्स ओवरहेड्स आर रेंट एंड टैक्सेस ऑफ द फैक्ट्री एंड ऑफिस बिल्डिंग इंश्योरेंस चार्ज ऑफ प्लांट फिक्स्ड ओवरहेड्स कौन से होंगे जो आपने एक टाइम पीरियड पे वो आपको पे करने ही करने हैं जैसे उसने एग्जाम्पल दिया रेंट टैक्सेस ऑफ द फैक्ट्री ऑफिस बिल्डिंग इंश्योरेंस चार्ज ऑफ प्लांट मशीन एंड बिल्डिंग ऑफ फैक्ट्री एंड ऑफिस ठीक है ये सारे आपके किसमें है फिक्स्ड ओवरहेड है क्यों फिक्स्ड क्यों है क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम पीरियड पे मैंने इसका क्या करना है पेमेंट करनी ही करनी है ये आपकी क्या है एक कॉस्ट है ठीक है वेरिएबिलिटी चेंजेस वेरिएबल ओवरहेड्स दीज कॉस्ट चेंज इन द सेम रेशियो इन विच द आउटपुट चेंजेस It means the variable overhead is one which tends to vary directly the volume of the output. The variable cost increases in direct proportion with increase in production and decrease in the same proportion with decrease in production. Basically, वो क्या बोल रहा है जो variable cost है वो क्या होगी आपकी
चेंज होती रहेगी, वो किसके प्रोपोर्शनेट होगी, किसके प्रोपोर्शनल होगी, ओवरहेड सॉरी प्रोडक्शन के. अगर आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन डिक्रीज होगी तो आपकी कॉस्ट भी डिक्रीज होगी. वेरिएबल्स वो होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, ठीक है, वेरिएशंस आती रहती है उनमें. नेक्स्ट है आपका सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स. सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स आर आल्सो नोन एज सेमी फिक्स्ड ओवरहेड्स. इट इज एन ओवरहेड विच इज पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल. देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स. हाउएवर इफ द फिक्स्ड पार्ट ऑफ द आइटम एक्सपेंसेस इज मोर देन द वेरिएबल, इट मे कॉल्ड सेमी फिक्स्ड. सिमिलरली वेयर वेरिएबल पार्ट इज ग्रेटर देन द फिक्स्ड पार्ट, इट मे कॉल्ड सेमी वेरिएबल. टेलीफोन, इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिक. सेमी वेरिएबल्स कौन से होंगे, जो आपके कॉस्ट क्या होती रहेगी, फ्लक्चुएट होगी. क्योंकि कई बार क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना कम आता है, कई बार ज्यादा आता है, फोन का बिल कम आता है ज्यादा आता है, तो ये क्या होगी, सेमी वेरिएबल और सेमी फिक्स्ड. हाफ सेमी की होंगे, तुसी दसो सेमी की होंगे, हाफ होता है. ये क्या गवर्नमेंट का क्या बोला था आपने, कॉलेज जैसे गवर्नमेंट जैसे रूल्स वगैरह लगाते होते हैं वो गवर्नमेंट वाले लगा देते थे, फीस वगैरह देते. नेक्स्ट है आपका कंट्रोलेबिलिटी वाइज क्लासिफिकेशन. कंट्रोलेबिलिटी में आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि किस पे कंट्रोल करना है, जो भी आपकी कॉस्ट इनकर्ड हो रही है, जहां जहां से जो एक्टिविटीज से आपकी कॉस्ट इनकर्ड हो रही है वहां से क्या करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है. कंट्रोलेबल ओवरहेड्स, दोज ओवरहेड कॉस्ट विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय मैनेजरियल इन्फ्लुएंस फॉल अंडर दिस कैटेगरी. ऑल वेरिएबल कॉस्ट आर कंट्रोलेबल, मतलब जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट अभी हमने पढ़ी जो क्या होती है, चेंज होती है, चेंज होती रहती है, उनमें फ्लक्चुएशन आती रहती है, वो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल फोन का बिल, फोन हम कम यूज करके उसका उसके बिल को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट कम कर सकते हैं. इलेक्ट्रिसिटी जितनी हमने कंजम्पशन करनी है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से बाहर जाते हैं तो क्या फैंस वगैरह चलते रहते हैं, तो अगर हम उनको ऑफ वगैरह करेंगे तो उससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट को सेव कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. अनकंट्रोलेबल ओवरहेड, द ओवरहेड कॉस्ट विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजरियल डिसीजंस आर अनकंट्रोलेबल. ऑल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी. इसमें सारे कौन से आएंगे, फिक्स्ड कॉस्ट वाले आएंगे, ठीक है. फिक्स्ड कॉस्ट हमने किसकी पढ़ी थी, जैसे रेंट हो गया, हाँ, जो हमने रेंट वगैरह डेप्रिसिएशन वगैरह, ये हमारी क्या है, कॉस्ट है जो हमने पे करनी ही होती है. नेक्स्ट है हमारा नॉर्मेलिटी वाइज क्लासिफिकेशन. ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी ओवरहेड्स कैन बी मे बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, नॉर्मल ओवरहेड्स एंड एबनॉर्मल ओवरहेड्स. नॉर्मल ओवरहेड्स रेफर्स टू सच ओवरहेड्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड इन अटेनिंग अ गिवन आउटपुट. दीज ओवरहेड्स आर अनअवॉइडेबल, दे आर देयरफॉर इंक्लूडेड इन प्रोडक्शन कॉस्ट. इनको मतलब नॉर्मल ओवरहेड्स कौन से होंगे जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे उसने एग्जांपल दिए कौन से, प्रोडक्शन कॉस्ट का डिपार्टमेंट हम क्या नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते. अगर प्रोडक्शन कॉस्ट का ही डिपार्टमेंट वो अवॉइड कर देंगे तो प्रोडक्शन में जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं, स्टॉक आ रहा है, उस पर कितनी कॉस्ट आ रही है, वो कैसे कैलकुलेट होगी, नहीं कर सकते ना उसके बिना. एबनॉर्मल ओवरहेड्स, दे रेफर टू दोज ओवरहेड कॉस्ट विच आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड इन अटेनिंग अ गिवन आउटपुट. फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम. आइडल टाइम कौन सा होता है, एबनॉर्मल आइडल टाइम, फ्री टाइम. एबनॉर्मल आइडल टाइम क्या हुआ, अबनॉर्मल होगा, आइडल टाइम फ्री हो, बोलो.
ਕਿੱਦਾਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਐਬਨੋਰਮਲ ਆਈਡਸ ਹਾਂ ਜਦ ਮਸ਼ੀਨਸ ਵਗੈਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਕਰਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਬਨੋਰਮਲ ਆਈਡਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਐਬਨੋਰਮਲ ਓਵਰਹੈਡਸ ਮਤਲਬ ਜੋ ਐਬਨੋਰਮਲ ਆਈਡਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੋਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਕਰਡ ਹੋ ਸਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ Codification of overheads. Coding is a technique and method of intelligently describing in numbers or letters or a combination of overheads. Codification of overheads is useful in control of overheads. After the classification of overheads, the next step involved in cost accounting to is to codify them. Codification se samajh aa raha hai? Codes vagaira dene, letters, numbers, code ta sunaya hi ha? Theek hai? उसने क्या बोला है कोडिंग इज अ टेक्निक एंड मेथड ऑफ इंटेलिजेंटली डिस्क्राइबिंग इन नंबर्स और लेटर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ ओवरहेड्स कोडिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स इज यूजफुल इन कंट्रोल ऑफ ओवरहेड्स कोड्स मतलब वो अगर कोडिफिकेशन मतलब कोड्स वगैरह रखते हैं तो उससे क्या बोल रहा है वो कि हम ओवरहेड में जो कॉस्ट इनकर्ड हो रही है उसको क्या कर सकते हैं ओवरहेड्स को कंट्रोल कर सकते हैं अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है To analyze overhead expenses for control purpose, to account for all types of overheads, to help the task of machine accounting system, to facilitate control over them, to reduce the task of maintaining a huge number of accounts, to accumulate head overheads systematically. Methods kya hai iske codification ke? Serial number 1 material ho gaya 1.1 direct material ho gaya 1.2 indirect material ho gaya ye kya de diye unhone codes de diye theek hai alphabet usme kya hai numerical aur alphabets dono hai numbers aur alphabets serial number 1.1 theek hai मतलब ये सारा किस में आएगा मटेरियल का डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल 1.1 1.2 की फर्स्ट कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल दूसरा कौन सा आ गया फैक्ट्री ओवरहेड सीरियल नंबर 2 फैक्ट्री ओवरहेड 2.1 रेंट ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग 2.2 सैलरी टू फैक्ट्री मैनेजर सेकेंड है अल्फाबेट मेथड में जिसमें आप सिर्फ क्या यूज करोगे लेटर्स यूज करोगे ठीक है एग्जांपल दी हुई है एम मेंटेनेंस M1 मेंटेनेंस टू फैक्ट्री बिल्डिंग M2 मेंटेनेंस टू पावर हाउस M3 मेंटेनेंस टू ऑफिसर बिल्डिंग न्यूमेरिकल कॉस्ट मेथड आगे फिर कोड दे दिए आपको पता है जो बिलिंग वगैरह होती है वो बार कोड के थ्रू होती है तो उसमें भी क्या है ये कोड ही यूज होते हैं हर एक प्रोडक्ट का उन्होंने क्या दिया किया क्या दिया रहता है कोड दिया रहता है ठीक है लॉट नंबर होता है क्या होता है हाँ मतलब वो एक कोड ही सेट किया होता है ना नीचे लिखा था मैम बार कोड के नीचे हाँ तो ओदे की हुंदा उन्हां नूं ओदे नाल ईजीली मतलब पूरा टाइप करन दे कंपैरेटिवली कोड नंबर की रहिंदे आ ज्यादा ईजी रहिंदे आ ठीक है The main source of collection of overhead sources क्या है overhead से collection के लिए store requisition prepared for the issue of indirect materials like cotton waste lubricants brushes soap etc are helpful in collecting and ascertaining the overheads to be charged to the department which made use of indirect material etc जो वो बोल रहा है store से क्या करते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल जो आपकी वेस्टेज हुई रहती है ठीक है वेस्टेज को क्या करते हैं उसको कलेक्ट करते हैं ताकि क्या कर सके वो रीयूज कर सके ठीक है दूसरा क्या है वेजेस एनालिसिस बुक दिस बुक गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इनडायरेक्ट वेजेस ओवरटाइम पेमेंट एटसेट्रा वेजेस एनालिसिस बुक मतलब लेबर जो आपकी वेजेस है लेबर की जो वेजेस आप दे रहे हो उसमें सारा किसका रिकॉर्ड रहेगा लेबर का रिकॉर्ड रहेगा कि कितना टाइम वो काम कर रहा है उनकी वेजेस कितनी है ओवर टाइम कितना लगा रहा है ठीक है परचेजेस जनरल एंड इनवॉइसेस इसमें क्या आएगा आपका किसके रिकॉर्ड्स रहेंगे ये बेसिकली आपको कौन देगा परचेज डिपार्टमेंट देगा ठीक है परचेज डिपार्टमेंट में ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा कि इस मंथ में हमने कितना मटीरियल मंगवाया है क्या क्या परचेज किया है ठीक है कैश बुक
कैश बुक में आपका क्या होगा? कैश के रिलेटेड सब कुछ होगा। कैश के रिलेटेड सारी एंट्रीज होंगी, सारी इंफॉर्मेशन होंगी कि कितने आपने कितनी इनकम हुई और कितने एक्सपेंसेस हुए। जनरल दिस बुक गिव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द पेमेंट्स मेड इन एडवांस। जनरल में क्या होगा आपका? जो आपने एडवांस में पेमेंट्स की हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, नेशनल रेंट एंड एडजस्टमेंट्स, वाउचर्स रिगार्डिंग, ये आपका सारा किसका आ गया? अकाउंट्स का आ गया ना। ये तो आप इजिली पॉइंट्स याद रख के कर सकते हो। वाउचर्स रिगार्डिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ टोटल ओवरहेड कॉस्ट। इस वाउचर्स में आपके सारे कौन से आएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, वेरियस रजिस्टर्स एंड रिपोर्ट्स, रजिस्टर्स रिगार्डिंग स्क्रैप, वेस्ट, स्पॉइल्ड मटीरियल, आइडल टाइम, आइडल मशीन्स एंड आइडल फैसिलिटीज आर हेल्पफुल इन कलेक्टिंग द ओवरहेड्स। स्टोर एक्विजिशन मतलब जेड़ा ताड़ा स्टोर्स दे विच वेस्टेज पई हुंदी है, मतलब प्रोडक्शन दे विच जो वेस्टेज हुंदी है उनु की करदे उथो कलेक्ट करदे है, कलेक्ट करके उनु की करदे है रीयूज करदे है। बेसिकली केड़ा मटीरियल उथो कलेक्ट हुंदा है? इनडायरेक्ट मटीरियल। Overhead accounting is the concept of cost accounting. In overhead accounting, we collect all overhead, then we classify it, then we do it departmentalization, in end we allocate and apportionment of overhead expenses. Overhead accounting में basically आपका क्या होगा? Cost accounting में तो हम इसे पढ़ ही रहे हैं, classify उसने ऊपर कर दिया जो अभी हमने points discuss किए, ठीक है। अब We allocate and apportionment of overhead expenses. उनको क्या करेंगे? उनको डिवाइड करेंगे एक्सपेंसिस को डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। डिपार्टमेंटलाइजेशन ओवरहेड। डिपार्टमेंटलाइजेशन ओवरहेड रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिवली डिवाइडिंग द फैक्ट्री इंटू डिफरेंट डिवीजन और कॉस्ट सेंटर्स टू विच ओवरहेड्स आर चार्ज। डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब ओवरहेड को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं किसके अकॉर्डिंगली? डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंगली। फॉर जैसे हमने कॉस्ट शीट में करते हैं ना कि सेलिंग और डिपार्टमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट अलग होता है, कॉस्ट सेंटर्स आपके अलग होते हैं, कॉस्ट यूनिट्स आपकी अलग होती है, प्रोडक्शन अलग होती है, फैक्ट्री यूनिट्स अलग होती है, ठीक है। तो ये कॉस्ट शीट डिपार्टमेंटलाइजेशन ओवरहेड क्या होगा कि आपको जो ओवरहेड्स होंगे, डिपार्टमेंट्स होंगे, उसमें क्या होगा? उसको डिवाइड कर देगी। डिवाइड कर देंगे मतलब एग्जांपल दी है स्टोन क्रशिंग डिपार्टमेंट, स्टोन्स को क्रश करने का डिपार्टमेंट क्या होगा? अलग होगा। मतलब ये सारा किसमें आएगा? मैन्युफैक्चरिंग में ही आएगा। मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट है ये, प्रोडक्शन का, ठीक है। स्टोन क्रशिंग डिपार्टमेंट अलग होगा, ग्राइंडिंग का अलग होगा, ग्राइंडिंग और मिक्सिंग, कोल क्रशिंग अलग, बर्निंग एंड कूलिंग डिपार्टमेंट अलग। ये देखा है ना कि आपका प्रोडक्शन यूनिट किने किने देखी है? देखी है उदे विच देखिया तुसी? एक डिपार्टमेंट अलग अलग हुंदा है। फॉर एग्जाम्पल आपां किहदा लेके चलिए बोलो, मैं बेकरी मशीनस वाली फॉर्म दे विच काम किया है। बेकरी मशीनस दे विच की हुंदा है? उहदा डिपार्टमेंट एक तां हुंदा, सब तो पहला की हुंदी है, और उहदियां जिहड़ियां शीट्स वगैरह हुंदियां ने उहनूं की करना है? सिद्धा करना या जो भी उहनूं की करदे है, ग्राइंडिंग वगैरह करदे है, जो भी करदे है, एक उहनां दा डिपार्टमेंट अलग है। फिर उहनूं बेंड वगैरह करना, उहनूं शेप दे विच लैके आना, वेल्डिंग वगैरह करनी, उहनां दा डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है। पूरा उन्हें बनाना, उसके अंडर टूल्स वगैरह लगाने, उसका डिपार्टमेंट अलग है। प्रोग्रामिंग का डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है। बेकरी मशीन चाहिए, बिस्किट्स, ब्रेड, हाँ पर ब्रेड का होर मिक्सर वगैरह होंगे, तो बेकरी मशीन जी होंगे बिस्किट्स वगैरह बनते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट्स अगे होने, सर्विस डिपार्टमेंट्स दिता होया,
planning and estimating department, store department, repair and maintenance department, plant engineering department, inspection, purchasing, cost accounting, personal, payroll, general accounting. Objectives. नहीं just 4 to 5 points लिखियो ये lengthy long question दे वैसे नहीं आना किन्हार अंदर खत्म करते हैं objectives क्या है departmentalization overheads के forecasting planning and decision making किसमें help करता है ये forecasting planning and decision making ascertaining the cost of various department ascertaining the cost of various department मतलब ascertain क्या आता है? पता करना मतलब ascertain पता करना कि हाँ पता करना कि कितना cost हुआ ascertain the cost of various department analyze करना हाँ भैया calculation कितना हो गया? analyze दे वैसे overall आप देख रहे हैं कि business दे वैसे कितना activities हो रही हैं यानी कि की performance देखना मतलब आई होए calculation करना कि चल ठीक है कैलकुलेशन ठीक है इफेक्टिव कंट्रोल ऑन ओवरहेड कॉस्ट किधर देखो कंट्रोल कर दे ओवरहेड कॉस्ट इवैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंश्योर ग्रेटर एक्यूरेसी इन एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स रेफर्स टू द अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम्स ऑफ ओवरहेड्स टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट जो कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट्स क्या करते हैं ओवरहेड की कॉस्ट को क्या करते हैं द अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम्स ऑफ ओवरहेड कॉस्ट अलॉट अलॉट क्या होता है किया The allotment of whole items of overhead cost to cost centers and cost unit. In other words, allocation implies the identification of the overhead cost with reference to a particular cost center that is production and service departments to which they relate. It involves charging to a cost center those overheads which arise solely from the existence of that cost center. Allocation of overhead is therefore the process of distribution of overhead expenses on a departmental basis. Some time like wage paid to maintenance workers cannot directly attributed to product but can be specifically attributed to the maintenance service department. Such items of cost, indirect material, indirect labor, etc. can also be allotted to different departments or cost center. Allocation of overhead cost kya hoga? Overhead so pata hai na, jo aapke department wise kya hoti hai cost incurred hoti hai. Jo overheads ki cost incurred hogi wo kiske paas jayegi? Cost center aur कॉस्ट यूनिट्स के पास अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड अपोर्शनमेंट रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और कॉस्ट सेंटर ऑन सुटेबल बेसिस इट इन्वॉल्व्स चेंजिंग अ शेयर ऑफ द टोटल ओवरहेड कॉस्ट टू अ नंबर ऑफ कॉस्ट सेंटर्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सच एज रेंट लाइटिंग इसमें सारे आपके कौन से एक्सपेंसेस जाएंगे कौन सी कॉस्ट जाएगी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की ठीक है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होंगे सारा आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री का सारा किसमें जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डिफरेंस बिटवीन एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट अब इसमें डिफरेंस क्या है एलोकेशन रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स ऑन डिपार्टमेंटल बेसिस व्हाइल अपोर्शनमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स ऑफ वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट एलोकेशन क्या करता है डिपार्टमेंटल वाइज क्या करती है कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है अपोर्शनमेंट में क्या होता है ये एक प्रोसेस है जो ओवरहेड की कॉस्ट वन डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक क्या करती है डिलीवर करती है ठीक है एलोकेशन इज अ मच वाइडर टर्म देन अपोर्शनमेंट एज इट लीड्स टू अपोर्शनमेंट ओवरहेड्स कैन नॉट बी यूजली एलोकेटेड टू प्रोडक्ट्स एज दे कैन नॉट बी identified easily but they can be apportioned to products on some equitable basis allocation kya hai ek wider concept hai kisse apportionment se certain overheads like telephone and electricity charges can only be allocated to products if they are apportioned on sound equitable basis allocation needs no basis for the distribution of overheads apportionment needs a equitable basis for the distribution cost allocation deals with whole items
apportionment is concerned with charging a share of the aggregate overhead. Last a basis of apportionment of factory overheads. Floor area of departmental building. The overheads are apportioned on the basis of floor area occupied by each department. Floor area of departmental building क्या होगा कि हर एक department में कितना area cover किया हुआ है, ठीक है? कौन सा department कितने area में plot है या settled है? Number of employees in each department, हर एक department में कितने employees काम कर रहे हैं? Percentage और portion proportion of building and plants. Overheads related to buildings and plants are apportioned in the ratio of their values. For example, depreciation, insurance, rent, interest. आप उसकी percentage calculate कर रहे हो. इसमें क्या होता है? Percentage calculate होती है कि आप एक building या एक plant का कितना rent, कितनी उसपे depreciation क्या कर रहे हो? Pay कर रहे हो. उसपे आपकी कितनी cost आ रही है? Departmental production hours. Production hours means. कितने घंटे वर्क पर काम कर लेबर कितने घंटे काम कर रही है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में ठीक है टेक्निकल बेसिस में आपका कौन सा आएगा लाइटिंग सारा आपका इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड आएगा सारा टेक्निकल डिपार्टमेंट उस इसमें आएगा ठीक है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एयर गैस स्टीम एंड वाटर एक्सपेंसेस Reapportionment of overheads, direct redistribution method. Under this method, service department costs are apportioned over the production department only ignoring the service rendered by one service department to another. Direct redistribution method में क्या होगा? आपकी कौन सी cost ignore की जाएगी? Service rendered. Rendered क्या होता है? Service rendered by one service department to other. किस क्या meaning हुआ इस sentence का? एक department जो दूसरे department को services provide करता है. उसको क्या करेंगे? Ignore करेंगे. Step method or non reciprocal method. This method gives cognizance to the service rendered by service department to another service department. The consequence here begins with the department that renders service to the maximum number of other service departments. Reciprocal service method. इसमें कुछ methods दिए हुए हैं आपके कौन कौन से simultaneous equation method, repeated distribution और trial and error. Simultaneous equation में क्या होगा? Equations help in finding out cost of service department. Services जो आप provide करते हो, उस department की cost कितनी आ रही है? ये कौन calculate करेगा? Simultaneous equation method. ये basically आपके algebraic form में होगा. Algebraical form तो पता है ना क्या होगी? कौन सी होती है? अलजेब्रिकल एक एक्सप्रेशन नहीं पता कड़े होंगे अलजेब्रा पढ़िया कदे मैथ्स नहीं पढ़िया कदे हम कहते हो ही नहीं पढ़िया जिदे विच वेरिएबल्स आते हैं एक्स वाई ए बी ए तो आड़े कड़े होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिदे विच वैल्यूज करनी होंगे ने पढ़िया तो होना है एक्स की वैल्यू कड्डो वाई की वैल्यू कड्डो वो की होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे एग्जाम्पल देख समझ आ जाऊंगा ट्रायल एंड एरर मेथड इन दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट इज अपोर्शन टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट ओनली इन द गिवन परसेंटेज इसमें क्या होगा आपके फर्स्ट डिपार्टमेंट से कंपैरेटिव करके दूसरे डिपार्टमेंट की क्या कही जाएगी कॉस्ट निकाली जाएगी
अपोर्शनमेंट और नॉन रेसिप्रोकल बेसिस इसको और क्या बोलते हैं स्टेप लैडर मेथड. दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन अ सर्विस डिपार्टमेंट रेंडर सर्विस टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट्स बट डज नॉट रिसीव सर्विस ऑफ द अदर सर्विस डिपार्टमेंट दैट इज व्हेन सर्विस डिपार्टमेंट्स आर नॉट इंटर डिपेंडेंट. स्टेप लैडर मेथड में क्या होगा जब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को क्या कर रहा है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है बट वो खुद किसी से सर्विसेज नहीं ले रहा तब क्या होगा स्टेप लैडर मेथड वहां पे एप्लीकेबल होगा.